देखो भाई ना, उन्हें सेवक है तो उनका पास और तो और मैं आना जाना इसमें दिमाग लगा रहता है, और अपन यहाँ देशी लिखा अपना पढ़ते हैं अपन फुल फ्लैज है, वहां भी शब्दों में विकास हो गए, हाँ हम भी खुले हो गए, हमें कोई डर नहीं है, क्या साधन है भाई, पढ़ लो ऊपर नीचे में करके तो क्या है। इसलिए अपन विकास होके पढ़े बच्चों, जिन बच्चों का छूट गया है वो प्लीज, जिनका एक लेक्चर छूट गया है वो पांच पेज आगे पीछे मिला के सारे पांच पेज छोड़ दें, उनका अपन मैनेज करेंगे क्या करना है। और बाकी बच्चे अब बेटा यहाँ, हाँ बेटा थैंक यू, अभी देखे बेटा प्लीज बेटा आप थोड़ा सा जस्ट बी कंसल्टेड, क्योंकि ये रिदम मिलाने में बड़ा जब चक्कर पड़ जाता है, जो आगे पीछे बैच हो जाते हैं ना, हमारे को भी बड़ा प्रेशर आ जाता है कि वो मेंटेन कैसे रखें। देखो बच्चे, जो बच्चे नए इस बच्चे में एंटर किए हैं, पर लास्ट सेल पर एक हमने फाइल लिया था कारण मॉलिक्यूल देखना, क्या लिया था बेटा कारण मॉलिक्यूल देखने में हमने प्रोफाइल बल्क डिस्कस किया था कि कारण सेंटर एक होगा या दो होगा तो कैसे चेक करेंगे, ये सिखाया था, उसी का हम आज प्रोफाइल टू सिखा रहे हैं। आप लोग प्रोफाइल टू से शुरू करेंगे, ये प्रोफाइल वन आपको पढ़ना बाकी है, और प्रोफाइल टू में, लेकिन प्रोफाइल टू ऐसा है कि जिससे प्रोफाइल वन पर लेना देना नहीं है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है जो लास्ट सेंटर पढ़ रहा था, लेकिन वो करना है प्रोफाइल। अभी हमारा एम था कारण सेंटर देखना, और आज भी सॉरी कारण मॉलिक्यूल देखना, और आज भी हमारा एक है कारण मॉलिक्यूल देखना, लेकिन लास्ट सेंटर पर जो हमने कारण मॉलिक्यूल देखे थे वो विद रिस्पेक्ट टू कारण सेंटर देखे थे, किस रिस्पेक्ट में, और आज हम आपको दिखा रहे हैं कायरल मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर, यानी कि जिनमें बिना कायरल सेंटर के कायरल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। नॉर्मली कायरल मॉलिक्यूल में क्या देखते हैं बेटा, कायरल सेंटर देखते कि नहीं, वन कायरल सेंटर है, टू है, यही तो बात हुआ था ना, लेकिन हम अभी आपको ये बता रहे हैं बिना कायरल सेंटर का, बिना कायरल सेंटर का कायरल मॉलिक्यूल। इसमें भी दो केस पढ़ने हैं, केस वन बहुत आसान है, आपने ऑलरेडी इसके थ्रू जो पॉइंट करने वो सीख रखे हैं। केस वन में बता रहे हैं एलीन सिस्टम, कौन सा सिस्टम है बेटा, आपको याद होगा लास्ट जियोमेट्रिकल के दौरान था, एलीन सिस्टम किनको कहते हैं, जहां कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या रिंग हो या दोनों हो, क्यों भाई इस तरह के सिस्टम को मैं नाम क्या दिया था, ये सिस्टम भी कायरल मॉलिक्यूल रखते हैं, ये सिस्टम भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कब, वो कंडीशन देख लो, ये दो कंडीशन में, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन पहली कंडीशन ये है मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन प्लेनर। बेटा आपने उन दिनों में एलियन सिस्टम में क्या सीखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक, ठीक था ना बेटा, आज हम लोग एलियन सिस्टम में क्या सीख रहे हैं, ऑप्टिकल। आपको ना पुराना भी देखने के चलना है ताकि बैलेंस और डिवीजन भी हो जाता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक देखना है तो वहां पहली कंडीशन बताई थी मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, और आज बताई है नॉन प्लेनर, कंप्लीट क्लियर है बेटा। दूसरी बात यहां मैं कह रहा हूं, जो वहां बोली थी वही यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ईच टर्मिनल मस्ट हैव पेयर ऑफ डिफरेंट यूनिट, ईच टर्मिनल मस्ट हैव पेयर ऑफ डिफरेंट यूनिट, ईच टर्मिनल पर क्या है बच्चे, डिफरेंट यूनिट होनी चाहिए। ओके कैसे देखेंगे, आपके पास मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, पर इन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही सिंगल एम है, ये चेक करना कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। आपको सब कुछ पता है बेटा, आप प्लेनर नॉन प्लेनर देखना भी बहुत अच्छे से जानते हो। जरा देखे मेरे बच्चों, लिखने का
इवन हमने 5 एग्जांपल लिखे हैं, बहुत बहुत स्मार्टली और बिना कोई दिमाग खर्च किए। देखो आंसर तो लाना है हमें, लेकिन आंसर भी बिना दिमाग खर्च किए लाना है, ये बात है। देखो क्योंकि हमें दिमाग खर्च एग्जाम में बेटा कई बार दिमाग एग्जाम में काम ही नहीं करता है, मशीन बंद हो जाती दिमाग की, और वो खास होते एग्जामिनेशन हॉल में, कारण में वो अच्छे सवाल हो रहे थे, लेकिन परीक्षा में जाते ही अजीब तरह की प्रेशर सी आ जाती है, और कहीं ना कहीं जितना हम अच्छा काम कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पाते, होता था बेटा कई बार। तो ऐसा हम कोशिश ही पढ़ाई में कम करें जहां दिमाग का उपयोग कम से कम, देखो होगा तो ऐसा तो नहीं है बिना दिमाग के होगा, लेकिन कम से कम इस्तेमाल होगा तो हमारे को नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि अगर हमारा काम करना बंद करेगा कर दे, हम तो वैसे ही बिना दिमाग के हैं। तो काम करने अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, अपन निर्भरता नहीं है दिमाग में अपनी, और ये मैं सिखा, यही सीख। अभी देखो बच्चों, देखो बच्चे, सबसे पहले अगर आपको याद हो, आपको ये तय करना होगा कौन प्लेनर है कौन नॉन प्लेनर। इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी और वो कन्विंस किया था कि भाई पहला बॉन्ड जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उसका अगला हमेशा, और अगर किनारे वाले अलग अलग है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ये क्या होगा, क्यों भाई ये है कि नहीं। अगर हम दूसरा केस देखें तो यहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो भाई सीखा था कि नहीं, ये नॉन प्लेनर है। अब यानी कि दोनों में इन एग्जाम्पल में पहली शर्त तो हमारी एप्लीकेबल हो रही है बच्चों नॉन प्लेनर होने की, लेकिन दूसरी शर्त तो होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है आपकी टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल ये वाला टर्मिनल डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन क्या डिफरेंट है, पर ये वाला और ये वाला भी नहीं है। इवन दैट ये नॉन प्लेनर तो है लेकिन ऑप्टिकल आइसोलेशन शो नहीं करेगा, ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चों। नॉन प्लेनर होने के बावजूद ये ऑप्टिकल आइसोलेशन शो नहीं करेगा, मन में कोई डाउट है बच्चों किसी के। अभी देखो बच्चों ये वाला डिफरेंट है कि नहीं, और ये दोनों भी बच्चों देखो डिफरेंट है, तो नॉन प्लेनर के बाद ये ऑप्टिकल आइसोलेशन शो करेगा, अंडरस्टैंड है कि नहीं, कितना आसान है बेटा, कोई बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि बहुत कठिन सी कोई रॉकेट साइंस सिखा दी हो सर ने जो समझने में दिक्कत है, ऐसा कोई हमने काम किया ही नहीं है। और प्लेनर नॉन प्लेनर हम लास्ट में इसी डिटेल में एक बार बता दिए थे कि वर्टिकल में भी काम आएगा वो कॉन्सेप्ट, और आज भी काम आ रहा है। बच्चों एक और एग्जांपल देखें अगला, सबसे पहले क्या देखें बच्चों, ये प्लेनर है नॉन प्लेनर है, पर तो ये तय करें, बोलो भाई, तो आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ये वर्टिकल है कि नहीं, फिर ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, बोलो भाई ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक ही प्लेन में है कि नहीं, क्लियर। तो ये बताओ ये नॉन प्लेनर है या प्लेनर है। अब अच्छे ये बताओ अगर प्लेनर है तो क्या यहां हमें ऑप्टिकल ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज्योमेट्रिकल तो कर सकते हैं, और दोनों दूसरी कंडीशन तो दोनों जगह सेम है, क्यों भाई ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं, ये दोनों भी डिफरेंट है कि नहीं, तो प्लेनर होने के बाद जी आई यानी कि एक पंथ दो काज होगा कि नहीं होगा। आपने तो प्लेनर देखा तो जीआई ट्राई किया, और नॉन प्लेनर देखा तो ओआई ट्राई किया। जीआई और ओआई ट्राई करने में करना क्या है, टर्मिनल पर पेयर ऑफ डिफरेंट ग्रुप देखने हैं। अगर प्लेनर होने पर टर्मिनल पर पेयर ऑफ डिफरेंट यूनिट है तो जीआई है, और नॉन प्लेनर होने पर है तो ओआई है। आपको भैया कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ा और नया हो गया, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, हमारा सब्जेक्ट ना केमिस्ट्री बड़ा विचित्र है, इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ आ रहा है और अचानक ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बताने वाले ये निर्भर करता है वो आपको कैसे बताया जा रहा है, और इस बात में हमें महारत हासिल है कि कैसे बताना है और आपको कैसे सिखाना है। ये भाई आपने पढ़ सुनी होगी, लेकिन हमने कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया। हमें दो बातें हमें बहुत क्लियर कर अपने 25 सालों में सीखी है हमने, एक तो बच्चे को ना अटवाओ मत, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो रटने के बाद भूलता नहीं हो, हर बच्चा भूलता है, जब पता है इसका हर्ष ये होना है तो रटवाओ नहीं, या कम से कम रटवाओ, और दूसरा उसके दिमाग का प्रयोग कम करवाओ, जो चीज होती नहीं है वो प्रयोग करनी चाहिए। अगर कुछ चीज हमने पहले कर ली तो हमारा पेपर अच्छा होने जा रहा है, और आपको पढ़ाई यही है, मतलब दिमाग से प्रयोग से बेटा हमारा ये कहना है, दिमाग में मतलब ये हंसी मजाक में तो एक अलग बात है, दिमाग का प्रयोग मतलब गलत तरीके से करना है, कम जगह में हो जाएगा, और आपने गलत तरीके से दिमाग का प्रयोग किया दिमाग का दिमाग खट हो जाएगा, सवाल का सवाल नहीं पाएगा। तो ये सिखाए,
हम भी ऐसा नहीं हवा में चल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए हमने भी कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है, तो वही बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा यहां देखो, चलिए अब बताओ ये क्वेश्चन, ये रह गया, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, फिर ये हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल, ये तो इतना आसान है, कोई भी लिख लेगा। किनारे वाले देखे कैसे है, अलग अलग है, तो क्या पाया, नॉन प्लेनर। सबको समझ आया? अब नॉन प्लेनर के बाद ये ओआई भी है, इस बात का फैसला कैसे करेंगे, टर्मिनल को देख के करेंगे, टर्मिनल को ध्यान है, क्या कह रहे हैं ये डिफरेंट है, ये ओआई शो करेगा। एग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट कितने लोग ओआई नहीं करेगा, कितने लोग करेगा, बाकी लोग कुछ भी डिसीजन, तो ये भी क्लियर अगर सब पता चल जाए ना, आप नहीं आए तो हम और मेहनत करेंगे, लेकिन आप अच्छी बात है, कितने लोग क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है आपके बेटे। ये देखो एक सबसे पहला पॉइंट प्लीज, ये रिंग और डबल बोन लगातार है कि नहीं, क्या बोथ रिंग और डबल बोन लगातार है, एलियन सिस्टम है कि नहीं, इतनी बात एग्री है कि नहीं, अगर एलियन सिस्टम है और डबल बोन या रिंग को अगर पहली हॉरिजॉन्टल है तो अगली वर्टिकल होगी कि नहीं, बोलो बच्चों, ये बात तो पहले की थी। और आप बताओ ये नॉन प्लेनर है कि नहीं, अगर ये नॉन प्लेनर है मेरे बच्चों तो इसके मतलब अब ओआई करेगा नहीं, किस बात पर निर्भर करेगा, डिफरेंट। तो ये दो डिफरेंट है, एक सीवर ओआई और एक क्लियर, और इस किनारे पर CS3 और बेटा कुछ नहीं है, तो क्या ये नॉन डिफरेंट नहीं है, नॉन प्लेनर भी है कि नहीं है, और ओआई भी शो करेगा कि नहीं, कितने लोग समझ में आ गई है बात। अभी पहले अब आप हमसे पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने पहले ये कहा था सच में नहीं आया है, उनको क्या प्रॉब्लम आई थी, भाई ये जो चीज सिखाई गई है क्या वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, और वो देखना है उनको, क्योंकि आज ऐसी बात है कल के दिन को नया एग्जाम फिर है, तो आपको कनेक्ट तो करना आना चाहिए। अभी अगला बोलो, चलो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ओके नॉन प्लेनर है सर, ठीक है, अभी क्या होगा, ये दो डिफरेंट, ये दो डिफरेंट, तो ये ओआई भी कितने लोग क्लियर भी होगी बेटा, आगे बात सुनो बड़ी, इस तरह से अगर कोई भी एग्जाम्पल लगाते जाइए तो आपका विषय बनता जाएगा। और अब एक और बात मैं कर रहा हूं बेटा, केस टू, एक और केस बता रहा हूं, और वो है बाईफिनाइल सिस्टम, ये भी बेटा बिना कारल के कारल मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है बच्चों, बिना कारल के, तुम्हें दिख रहा बेटा इसमें से दिक्कत होती, हटवा दो उसको क्यों, नहीं मैं कल इसको हटवा दूंगा मैं अभी, क्योंकि बैठने पर रोज इसी में पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं नीचे जगह नहीं है रखने की, तो बाहर ही रखो। हाँ बच्चो, रूम ही तो वापस जो कह रूम अपन को मिल गया यही बहुत है, कहीं ऐसा ना हो तो क्या ऊपर बैठ के पढ़ा दो। ठीक है ना, और वैसे ना ये रूम मैं मतलब तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक आठ नंबर रूम है ना, मतलब हम तो चार पांच साल से इस बिल्डिंग में देख रहे हैं, ये रूम इतना मतलब सबसे खराब रूम है, मतलब मैं बताऊं इस रूम में अगर गेट ला के पढ़ा दो ना तो सांस मिल जाती है, चीजें पढ़ाने वाले, और कई बार तो ऐसा हुआ कि इस रूम में पढ़ाते समय हमने कई बार ऐसा हुआ कि ज्यादा सांस भूल गई तो हमें रूम से सड़क तक दो मिनट के लिए जाना पड़ा कि यार ये थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग तो सही हो जाए, तो ये इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसमें जैसे रूम बदलो ना पता नहीं अजीब सी सेवा साइज है, वहां दिक्कत नहीं आती है, इसी रूम में आती है, इसलिए गेट खोल के पढ़ाना इस रूम में मस्त है, बदला दो सर, कारण पता नहीं क्या है, हमें समझ नहीं आया अभी तक, वो शेप साइज ऐसा क्या है, नहीं अपन ट्राई करें, अपन तो हम लोग तो खुद ट्राई करेंगे, इस रूम में पढ़ाना बड़ा हमारे लिए भी टफ है, दिखता भी नहीं है पूरा, नहीं चलो अभी तो पढ़ाई पहले करेंगे, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। बाईफिनाइल सब्सटेंस बेटा पहले यहाँ देखे बेटा, बाईफिनाइल सब्सटेंस होते क्या है बेटा, बाईफिनाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें आपस में ना वो बेंजीन रिंग कनेक्ट होती है, अंडरस्टैंड, ऐसे कंपाउंड को बचा बाइनर कहते हैं, और ये कंपाउंड भी ना ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, अभी होंगे या नहीं होंगे तो अभी नहीं पता, लेकिन हाँ वी कैन ट्राई, जैसे एलियन सिस्टम में ट्राई करते हैं ना ऐसे इसमें भी हम ट्राई करते हैं, और क्या ट्राई करेंगे बच्चों वो थोड़े से पॉइंट समझ लें और लिख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आजकल क्या है ना एक न्यूमेरिकल सिस्टम का जो एक प्रॉब्लम आ गया ना उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहां क्या आता है
कि अगर वो दस बारह कंपाउंड दे दें तो वो हर वैरायटी के एक दो कंपाउंड लिख देते हैं। तो इसलिए हमें हर चीज सीखना जरूरी है, क्योंकि एक भी अगर मिसिंग हो गया और बाकी सब आ भी गए तो भी आंसर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन तो फिर भी सेट कर लेते हैं अपन, लेकिन वो न्यूमेरिकल नंबर लिखना है चार जगह पांच ही गलत हो जाता है बेटा। तो इसलिए ये हर चीज समझना होगा बेटा। इसमें सिंपल सी कंडीशन है, पहली बात नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अगेन क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। और दूसरी बात ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन ऑफ ईच रिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन ऑफ ईच रिंग मस्ट हैव पेयर ऑफ डिफरेंट यूनिट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट पोजीशन, कितनी रिंग है अपने पास? दो। ईच रिंग मस्ट है, क्या कहना है इसका मतलब थोड़ा मैं आपको बता दूं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये केस है, ये बाईफिनाइल है ना बच्चों, इसकी ये वाली जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है। लेट अस सपोज ये G1 है, G2 है, G3 एंड G4 है। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इतना देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ ईच रिंग। इस रिंग की ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? G1 G2 मस्ट है। क्या लिखा? इसके अंदर ये आपस में बराबर ना, G3 G4 आपस में बराबर ना। ये मैं कहना चाह रहा हूं, आप हमारी बात तक पहुंच रहे हैं कि नहीं? यस सर। अब एक ही प्रॉब्लम रह गई आपकी, क्योंकि यहां तो हमने नॉन प्लेनर होना सिखा दिया था पहले, याद है ना ज्योमेट्रिकल में, लेकिन यहां नॉन प्लेनर कम होना का है ये हमें समझना बाकी। ये पॉइंट समझना बाकी है कि नहीं? इसको भी समझ लेते और तो कोई दिक्कत नहीं बची। तो आप प्लीज नोट डाउन इसको लिख लीजिए और नॉन प्लेनरिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। मुझे भूख लगती है। ओके, अब देखो जरा बेटा थोड़ा सा ये पॉइंट, नॉन प्लेनरिटी इन बाईफिनाइल्स। बेटा बाईफिनाइल्स जो है उनमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई यही एम बचा और तो कोई प्रॉब्लम बचा नहीं है। तो इसमें बहुत सिंपल तरीका ये बता रहा हूं मैं बेटा कि नॉन प्लेनरिटी के लिए मिनिमम 3 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बाईफिनाइल्स क्रिएट नॉन प्लेनरिटी। क्या बोला है बच्चों ने? मिनिमम कितने? कम से कम 3। कैसे? बल्कि ग्रुप कहां हो? किसकी? बाईफिनाइल्स की। क्लियर? क्या करते हैं? नॉन प्लेनरिटी। अब यहां एक प्रॉब्लम आ गई, सर ये बल्कि ग्रुप क्या होंगे? भाई समाधान एक तो आ देंगे, तो इसमें भी जानकारी आपको होनी चाहिए बेटा। और ये जानकारी केवल आज नहीं, आगे भी कैरी करनी है अपन को, जगह जगह ये बात सुननी आती है। स्मॉलर ग्रुप के तौर पर हम कैसे याद रखें? देखो रटना है तो रटने में थोड़ा समझदारी से रखें। सेकेंड पीरियड के मेंबर हैविंग एच ओनली, क्या याद रखा?
सेकेंड पीरियड के मेंबर हैविंग एच ओन, जैसे कार्बन है एच केबल है CH3, नाइट्रोजन है एच केबल है NH2, OH और F एटसेट्रा, ये हल्के गुण होते हैं, ध्यान रखोगे कि नहीं, ध्यान देने का तरीका। और इनके अलावा जो ग्रुप है वो भारी ग्रुप है, आई मीन बल्कि ग्रुप है। कौन है बेटा? जैसे कि C तो है लेकिन इसके साथ H ना हो के मिथाइल है, N के साथ NR2 टाइप ले लें, OR ले लें, क्लोरीन, क्लोरीन के भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, COOH, COCl एटसेट्रा। इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा समझदारी से याद रखें, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगी। तो थोड़ा सा ये अलग कर लो, तो बाकी जो अपने पास बच रहे हैं वो अपने के किस ग्रुप की कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं, उनको बड़ी ग्रुप की कैटेगरी में। अंडरस्टैंड? अब देखना बच्चों, इससे पहले अगर नॉट ऑर्डर देखें, एक नोट और जान लेना, भाई बोलो नोट। नो सर। हाँ बच्चे, यहाँ लिखे नोट पे लिखे, इन केस ऑफ नोट इन केस ऑफ COOH प्रेजेंस ऑफ ओनली इन केस ऑफ COOH प्रेजेंस ऑफ ओनली टू सच ग्रुप टू सच ग्रुप कॉमा वन इन ईच रिंग वन इन ईच रिंग ऑल्सो क्रिएट नॉन प्लिनरिटी ठीक है ना बेटा, क्या बोला है हमने? वैसे तो नॉन प्लिनरिटी के लिए ऑर्थो पोजीशन पर कितने ग्रुप चाहिए, पर COOH के केस में दो ही से काम हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली नॉन प्लिनरिटी का मतलब क्या है, जो ग्रुप बड़े बड़े होते हैं ना उसमें आपस में रिपल्शन, तो आपस में झगड़ा करेंगे तो जो मॉलिक्यूल है वो उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, तो नॉन प्लिनर हो जाएगा। क्यों? तो अब बड़े बड़े ग्रुप चाहिए, लेकिन COOH के केस में दो ही काफी है, बाकी सब जगह चाहिए तीन चाहिए। क्लियर बच्चों? अब चलिए, हमने कुछ रिंगे बनाई हुई है और इसमें हम आपको यही दिखा रहे हैं कि कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बेटा आपने सिंपल, हमने कहा ना ये बहुत ज्यादा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं है लेकिन आना चाहिए और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता भी दिया है। इनमें हमें यही देखना है कौन सा प्लेनर है और कौन सा प्लेनर नहीं है।
हाँ भाई लिख लिया। सबसे पहले देखे प्लेनर नॉन प्लेनर, तो बेटा प्लेनर के लिए कितने ग्रुप बल्कि चाहिए, कहाँ चाहिए और दो। यहाँ कितने बल्कि, एक दो और तीन, क्यों भाई है कि नहीं, ऑर्थो पर है कि नहीं, इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है। कितने लोगों ने ये बात क्लियर कर ली। अब नॉन के साथ साथ बुआई के लिए क्या जरूरी है, ये दो डिफरेंट है भी, ये तो ओके कर दिया इसने, लेकिन ये दो ये ओके नहीं किया, तो नॉर्मल है परंतु ओआई शो नहीं करेगा। ये बात क्लियर है बच्चों की, नहीं चेक कर लिया बेटा, बोलो ये